स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। भारतीय किसान यूनियन ने की पत्रकार वार्ता। पावटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में हिमाचल प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी पत्रकार वार्ता कर कहा, हिमाचल के किसान आने वाले समय में हिमाचल में टोल टैक्स बैरियर को बंद करवाने का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने हिमाचल के किसानों की आवाज को बुलंद किया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग बदनाम करने की साजिश रचते हैं और हिमाचल को शर्मसार किया है। अरिंदर सिंह नाटी ने कहा, किसान अब हिमाचल के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नवभारत समाचार पावटा साहिब हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। पार्टी के का झूठ बोलने का बिना लाइसेंस टेंडर है। भारतीय जनता पार्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है झूठ बोलने में। मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बड़ा है कि मार्केट कमेटी के प्रधान बड़े हैं। मार्केट कमेटी के 90 वर्षीय प्रधान ने टोपी और शॉल के साथ स्वागत किया है। चौधरी राकेश टिकैत जी को आढ़ती एसोसिएशन ने आमंत्रित किया था। आढ़ती एसोसिएशन में कितने पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई पक्ष में भी हो सकता है विपक्ष में, लेकिन उनको अपने प्रधान के फैसले का आदर करना चाहिए कि उनके प्रधान ने खुद सब्जी मंडी में उनका स्वागत किया है, शॉल टोपी पहना के उनको हिमाचल की परंपरा के अनुसार सम्मानित किया। और अखबारों की अलग अलग कटिंग्स के माध्यम से आपको वीडियो में नजर आएगा, आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने खुद किसानों की जो समस्या है या जो मंडियों में समस्या आ रही है, किस तरह से अदानी ने एक कॉरपोरेट मॉडल के तहत किसानों को लूटा और सेब की कीमतें चढ़ाई है, उस बारे में खुद आढ़ती एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन वर्बल तौर पे श्री राकेश टिकैत जी को दी है। उनको सब्जी मंडी का दौरा कराया है और ये प्रोग्राम महज 20 से 25 मिनट में वहाँ वाइंड अप हुआ है सफलता के साथ। ने मांग की है तो आप हमें भी अवगत कराएं। ये जो क्या नाम राकेश टिकैत जी सब्जी मंडी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिस भाषा में बोलते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसी बाप की जागीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि देवी देवताओं की भूमि है, जहां आने वाले हर मेहमान का स्वागत है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बाहर से आके रैलियां करते हैं। अभी हाल में अनुराग ठाकुर जी ने सभी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के सभी सरकारी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए, जब रात को 10 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते, लाउड स्पीकर लगा के रात को 3 बजे ऊना में कार्यक्रम किया है। जिस तरह से लोकतंत्र की, जिस तरह से लोकल लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई हैं, किसान तो बहुत संयम में रह के इस आंदोलन को लड़ रहा है, लेकिन किसान के संयम की सीमा है और किसान के संयम की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी ना ले, अब हिमाचल प्रदेश में भी किसानों का संयम टूटने वाला है। गुरनाम सिंह बंगा जी, चेयरमैन फाइट फॉर फार्मर राइट कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष जसविंदर सिंह पलिंग जी, जिला महासचिव और हमारा सोशल मीडिया का काम देख रहे इंदर सिंह राणा जी, जितेंद्र सिंह राजा जी जो जिला महासचिव हैं, और इंद्रजीत सिंह अज्जू जी, एक कदम नहीं उठा पाए, अपनी सरकार को इस बारे में एक कदम नहीं बोल पाए। जो कोई प्रयास किसानों के बीच में जाके किसानों का हौसला बढ़ाने का नहीं कर पाए, जिन्होंने किसी सब्जी मंडी फल मंडी का जब से सीजन आरंभ हुआ है टमाटर का सेब का एक दौरा नहीं किया, जिसको जनता देख रही थी, जनता में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और उनकी इन गलतियों से या जो उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, खुल के हिमाचल प्रदेश का युवा किसान, खासतौर पर बागवान और हिमाचल प्रदेश का किसान इस किसान आंदोलन से जुड़ गया है। हमें हजारों की संख्या में फोन का बेस्ट विजन के साथ हमने सरकार को एक सलाह दी थी या उनसे मांग की थी कि सरकार फ्रेट सब्सिडी दे, बड़े ट्रक का अलग रेट निर्धारित हो और यूटिलिटी का अलग हो। और बड़े दुख की बात है, हमने विजन दिया, आइडिया हमने दिया और सरकार ने लाहौल स्पीति में लागू कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, लाहौल स्पीति में मात्र एक या दो पंचायतें, वो भी हिमाचल के, उनका दुख भी हमारा दुख है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक दो पंचायतें जहाँ 200-300 बाशिंदे थे और थोड़े बहुत सब्जी फल था, उनका भी कीमती था,
सरकार ने वहां फ्रेट सब्सिडी की घोषणा की क्योंकि मंडी में उपचुनाव है और लाहौल स्पीति मंडी का कल से हम लोग देख रहे हैं। कल चौधरी राकेश टिकैत जी का हिमाचल का दौरा बहुत मायनों में ऐतिहासिक रहा है। हालांकि उनका हिमाचल प्रदेश शिमला मुख्यालय में केवल एक पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम था, अपने व्यस्त समय से उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए समय निकाला, लेकिन उनकी भावना को देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में जो किसानों पर एक बहुत बड़ा आसमान कई दिनों से टूटा हुआ था, हिमाचल प्रदेश के किसानों पर एक बहुत बड़ी विपत्ति बहुत दिनों से आई हुई थी, जहां सेब का बागवान बहुत बुरी तरह से अपने सेब की कीमतों के टूटने से परेशान था और बहुत बड़ा घाटा हिमाचल प्रदेश की ये 6,000 करोड़ की सेब की आर्थिकी को होता हुआ दिख रहा था, किसान असहाय था, जहां 5 रुपए किलो हिमाचल के किसानों का टमाटर बिक रहा था। हालत ये थी कि लोग टमाटर को खेतों में ही छोड़ने के लिए मजबूर थे। ऐसा ही हाल और जो सब्जी उत्पादक थे उनका भी हो रहा था और उनके इस दर्द को चौधरी राकेश टिकैत जी ने समझा।